टूनी गौरैया केवल 10 रुपए में बिरयानी वितरित किया करती थी। शाम होते ही सारे पक्षी बिरयानी खाने टूनी के पास आया करते। टूनी सभी को गर्मा गर्म बिरयानी बना कर देती और बदले में पैसे लेकर उनसे खूब सारी गपशप किया करती। यूं उसका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था। ऐसे में एक दिन मही नाम की चील ने भी टूनी की बिरयानी के शॉप के सामने अपनी बिरयानी की दुकान खोली। आओ केवल 5 रुपए में स्वादिष्ट बिरयानी ले जाओ, इतने कम दाम वाली बिरयानी तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। कम दाम सुनकर मही चील के पास सभी की भीड़ लग गई। बिरयानी की तारीफ करते हुए सभी ने कहा कि बिरयानी का स्वाद बहुत अच्छा है। और क्या ये हर रोज मिलेगी, ऐसे हर कोई पूछने लगा। हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगी, हर रोज मिलेगी और वो भी केवल 5 रुपए में। आप सभी यहाँ पर हर रोज आना। इतने में टूनी भी वहाँ पर पहुँची और सभी को वहाँ बिरयानी खाते हुए देख वो चौंक गई। हाँ हाँ ले जाओ बिरयानी, केवल 5 रुपए में मिलेगी बिरयानी। टूनी ने मुड़कर बोर्ड की ओर देखा और वो उदास होकर घर के अंदर गई। ये तो मुझसे भी कम दाम में बिरयानी बेच रही है, अब सभी उसी के पास जाना चाहेंगे। मुझे लगता है आज मुझे घर लौट जाना चाहिए। उदास मन से टूनी अपने घर लौटी। घर जाकर टूनी मन ही मन सोचने लगी, 10 रुपए में बिरयानी बेचकर फायदा नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं एक प्लेट का 20 रुपया कर दूं। चिकन के रेट्स भी तो इतने बढ़ गए, समझ में नहीं आता ये केवल 5 रुपए में बिरयानी कैसे बेच रही होगी। यूं उदास होकर वो सोच रही थी, तभी उसके पास ब्रूसली चील और चीचू कवा आए। क्या हुआ टूनी, आज तुमने होटल नहीं खोला, क्या बात है? क्या तुम दोनों नहीं जानते कि मैंने होटल आज क्यों नहीं खोला? मेरे होटल के सामने मही ने भी अपना होटल खोला है, वो केवल 5 रुपए में बिरयानी बेच रही है। नहीं हम भला उसके पास क्यों जाएंगे, वैसे भी हम मही को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो इतने कम दाम में बिरयानी क्यों बेच रही है हमें सब पता है। चीचू की बात सुन टूनी आश्चर्यचकित हो गई। वो जानना चाहती थी कि मही आखिर ऐसा क्या करती है। मैंने कल मही को चिकन का व्यापार करने वाली डोरा के पास देखा था, वो डोरा से कह रही थी, दरअसल मैंने तुम्हें बहुत सारी मुर्गियों को फेंकते हुए देखा, उनमें से अच्छी मुर्गियां भी थी। ऐसा क्यों? बात यह है कि कुछ मुर्गियां बीमार होती है, ऐसी मुर्गियों के साथ रहने पर बाकी मुर्गियों को भी वो बीमारी लग सकती है, इसीलिए मैं उन्हें फेंक देती हूँ। अरे पर तुम ऐसा क्यों करती हो, पैसे पेड़ पे थोड़ी लगते हैं। क्यों न तुम बीमार और मरी हुई मुर्गियों को मुझे बेच दो कम दाम में, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, हम दोनों साथ में मिलकर व्यापार करेंगे। मैं टूनी के बराबरी में अपनी भी बिरयानी का होटल शुरू करना चाहती हूँ, केवल 5 रुपए की बिरयानी खिलाऊंगी मैं। पर ऐसा करना सही नहीं होगा, मरी हुई मुर्गियों को मैं फेंक देती हूँ, इसकी कोई तो वजह होगी ना। मैं ये सब अच्छे से जानती हूँ, पर मैं ये क्यों कह रही हूँ तुम समझने की कोशिश करो, जब तक दिया जल रहा है घर को रोशन कर लो। मही की बातों के जाल में डोरा फंस गई और उसका साथ देने के लिए मान गई। उन दोनों में जब ये बातें चल रही थी तब मैं वहीं थी, पर मैं जब तक सबको ये बात बता पाती उसने अपना होटल शुरू कर भी दिया और सभी को बिरयानी खिला भी दी। हाँ दोस्तों पर हम अब तो सच्चाई जानते हैं ना, जल्द से जल्द हम सभी पक्षी दोस्तों को ये बात बता देंगे। ये सोचकर जब वे तीनों मही के पास पहुँचे, पहले से ही कुछ पक्षी उसकी पिटाई कर रहे थे। क्या हुआ है, यूं पूछने पर डोरा ने सबको बताया, लालच के चलते शुरुआत में मैंने इसके कुकर्म में हिस्सा लेने की सोच भी ली, पर लगातार ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही थी, इसलिए मैंने सबको सच बता दिया। अब इसे मारना बंद कीजिए, इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, ये माफी भी तो मांग रही है ना, अब उसे छोड़ दीजिए। टूनी के कहने पर सभी ने मही को छोड़ दिया। मही ने सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और वहां से हमेशा के लिए अपनी जान बचाकर चली गई। टूनी की बर्बादी पर अपनी खुशियों का महल बनाने की सोच रही मही हाथ पैर तुड़वाकर अब अस्पताल में इलाज करवा रही थी। टूनी बहुत खुश थी।
और वो अपने पति के आने की राह देख रही थी। बरसों का हमारा सपना पूरा होने जा रहा है, आखिरकार मैं माँ बनने वाली हूँ। भगवान, हर दिन समय पर आने वाले मेरे पति को आज इतनी देर क्यों हो रही है? अच्छा होता अगर वो जल्दी आ जाते, उन्हें ये खुशखबर सुनाने के लिए मैं बेचैन हो रही हूँ। यूं आतुरता से वो अपने पति की राह देखने लगी। इतने में उसके पति आ ही गए, पर अपने पति को देखकर उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके पति ने छोटू तोता से शादी कर ली थी। ये आपने क्या किया? मेरे जिंदा रहते आपने दूसरी शादी कैसे कर ली? ये कहाँ का न्याय है? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यूं रोती हुई टोनी ने पूछा। वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ नहीं बन पा रही हो। अब जब मैंने छोटू से शादी कर ली है तो जब हमारे बच्चे होंगे तब हम यहाँ खुशी से रहेंगे। भरे हुए मन से रोती हुई टूनी ने कहा। अपने बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है, मैं अब माँ बनने वाली हूँ, यही बात तो बतानी थी मुझे। आहा, आई बड़ी ड्रामेबाज। देखो तो, जो इतने सालों में नहीं हुआ वो आज हमारी शादी करते ही भला कैसे हुआ? बड़ी होशियार है आपकी पत्नी। हाँ छोटू, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये होगा। तुम्हारी भलाई इसी में होगी छोटू कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे खुशहाल जिंदगी को बर्बाद मत करो। यूं दुखी हुई टूनी ने उसे गिड़गिड़ा कर कहा। इस पर ब्रूसली ने कहा, अब वो मेरी पत्नी है, चुपचाप इस घर से बाहर निकल जाओ या फिर इसी घर में एक कोने में पड़ी रहो। अगर ना नुकुर की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। यूं उसे फटकार कर छोटू को लिए वो भीतर चला गया। टूनी बहुत दुखी हुई। जब टूनी घर के सारे काम करती तब दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले उसके आंखों के सामने ही घूमने निकल जाया करते। टूनी को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता। एक दिन जब उसके पति किसी काम से बाहर निकला तो टूनी ने छोटू से बात करने की कोशिश की। दोस्त, मेरी सहेली होकर भी तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करोगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या तुम्हें ये सब सही लगता है? क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा भी प्यार नहीं? क्या हमारी दोस्ती की कोई कीमत नहीं? मैं सच में पेट से हूँ, हम दोनों की हाय लगेगी तुम्हें। छोटू ने गुस्से से कहा, मैं सुन रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी कहो और मैं सहन कर लूँ। भगवान है और वो सब देख रहा है। इस पर भड़की हुई छोटू ने कहा, अरे ओ, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ये कहते हुए छोटू तोता ने टूनी के पैर कस कर पकड़े और उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले गई। बाहर चूल्हा जल रहा था। छोटू ने टूनी को घसीटते हुए उस आग में फेंक दिया। आग में जल रही टूनी जोर जोर से चीखने लगी। अचानक छोटू की आंख खुल गई। दीदी, क्या हुआ दीदी तुम्हें? दीदी क्या हुआ? टूनी भी नींद से जाग गई। कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ? उसने आंख खोलकर चारों ओर देखा। चारों तरफ पेड़ पौधे और जलाशय थे। दीदी, हम विहार यात्रा करने आए हैं, तुम्हें क्या हुआ है? टूनी ने रोते हुए अपने सपने के बारे में बताया। तुमने सपना देखा है और मैं तुम्हारी सहेली नहीं, तुम्हारी बहन हूँ। और हाँ, हम दोनों शादीशुदा हैं। तुम पेड़ से भी हो, तुम और जीजाजी साथ में बहुत खुश हो, इसीलिए तो हम सब साथ में घूमने आए हैं। हाँ, मैंने सुना था कि गर्भवती अवस्था में बुरे सपने बहुत आते हैं। घबराहट से तो मेरी जान ही चली जाती। खैर छोड़ो, अब सो जाते हैं। अब और कितना सोओगी दीदी? चलो थोड़ी देर और सैर कर हम वापस चले जाते हैं। टूनी ने उसकी बात मानी और फिर दोनों सैर करने निकल पड़े। वे दोनों बहुत देर तक घूमते रहे, हरियाली जलाशय देखते हुए प्रकृति की सुंदरता का अनुभव लेकर वे दोनों शाम होने पर अपने अपने घरों को लौट गए। टूनी ने एक बेटी को जन्म दिया पर वो खुद चल बसी। टूनी के मरने की खबर से उसकी बहन छोटू और पति ब्रूसली बहुत दुखी हुए। मुझे तो तुमने बेटी दे दी पर अब खुद चली गई हो, भला मैं अकेले कैसे रह पाऊंगा? तुमने सिर्फ अपना स्वार्थ सोचा। जीजा जी, धीरज रखिए, चिंता मत कीजिए, मेरे बच्चों के साथ अब ये भी मेरे साथ रहेगी, अब आप चिंता करना छोड़ दीजिए। यूं उसने अपने जीजा को हिम्मत दी। ब्रूसली ने
अपनी बेटी को छोटू के पास सौंपते हुए कहा, मैं शहर जाकर तूनी की यादों को भुलाकर नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करूंगा। बीच बीच में इसे मिलने आया करूंगा। ये कहते हुए उसने अपनी बेटी छोटू को सौंप दी। हाँ जीजाजी, आप चिंता मत करो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। उसकी बात से खुश होकर ब्रूसली वहाँ से खुशी खुशी चला गया। छोटू अपने बच्चों के साथ साथ अपनी बहन की बेटी का भी पूरा ध्यान रखा करती। ब्रूसली कभी कभी उनसे मिलने आता और पैसे देकर चले जाया करता, और ये यूं ही चलता रहा।